नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 सितंबर दिन सोमवार। खबर क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महज 10 रुपए में मिलेगा जमीन मालिकों को खतियान की अभी प्रमाणित प्रति। 18 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। इस दिन 13 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर मेला। देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू हुई नई योजना। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में छोड़ी अपनी महत्वपूर्ण छाप। जल्द करवाएं अपने राशन कार्ड की केवाईसी, वरना राशन मिलना हो जाएगा बंद। भारतीय क्रिकेट टीम में बीसीसीआई ईशान किशन के नाम पर कर सकती है विचार। आप चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक्जिम ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। एक्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 50 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट eximbank.india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का या CA पास किया हो। शैक्षणिक योग्यता पद के मुताबिक तय होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महज 10 रुपए में मिलेगा जमीन मालिकों को खतियान की अभी प्रमाणित प्रति। भू सर्वेक्षण में कई जमीन मालिकों को इस बात का डर है कि उनकी जमीन के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। जमीन मालिकों को खतियान की अभी प्रमाणित प्रति लेने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए विभाग ने इसे ऑनलाइन देने का फैसला लिया है, जिससे अब रैयतों को खतियान के अभी प्रमाणित प्रति लेने में परेशानी नहीं होगी, ना ही उन्हें अधिक पैसे देने की जरूरत होगी, ना ही उन्हें ज़्यादा समय का इंतजार करना होगा। इसे जमीन मालिक राजस्व विभाग की साइट से महज 10 रुपये का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुचित्रा मित्रा के बारे में। ये एक भारतीय गायिका, संगीतकार और प्रोफेसर थी। इनका जन्म 19 सितंबर वर्ष 1924 में बिहार में हुआ था। इन्हें एक सफल कलाकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि शामिल है। 3 जनवरी वर्ष 2011 में यह हमें अलविदा कह गई। कैथी लिपि में दर्ज भू दस्तावेजों को समझने के लिए विभाग अमीनों को देगा ट्रेनिंग। बिहार में जमीन सर्वे के मामले में अब भूमि दस्तावेजों पर कैथी लिपि होने के कारण एक नई परेशानी सामने आ चुकी है। बिहार में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए विभाग ने 2 कैथी लिपि के 2 प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है। ये कैथी लिपि के लेखने को समझाने के अमीनों को ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग 3 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि मुगल और ब्रिटिश काल में बने भूमि दस्तावेजों के रिकॉर्ड कैथी लिपि में ही है। 18 सितंबर को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। दरभंगा में 18 सितंबर को रोजगार मेला लगने वाला है। ये रोजगार मेला श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। ये मेला ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन के लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में लगने जा रहा है। इसका आयोजन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक होगा। इस मेले में 12वीं पास युवा भाग ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवा NCS पोर्टल www.ncs.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन सुनिश्चित करेंगे। पितृपक्ष मेले में 50,000 से भी ज्यादा लोग साथ में करेंगे तर्पण, सुरक्षा के रहेंगे खास इंतजाम। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का मेला आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए आएंगे। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भी जिला प्रशासन ने 17 सुपर जोन, 43 जोन और 324 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा है। इस सेक्टर में पुलिस और दंडाधिकारी तैनात होंगे। इस बार 40,000 से 50,000 तीर्थयात्री एक साथ तर्पण कर सकेंगे। पिंडदानियों के ठहरने के लिए गांधी मैदान में 2,500 बिस्तरों की मुफ्त टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें LED स्क्रीन, 24 घंटे पावर बैकअप, CCTV और सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर और टोकन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है।
बिहार में किसानों के हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की हो रही तैयारी। बिहार में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जहां हर खेत तक सिंचाई के पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं की तैयारी हो रही है। पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक में 29,952 योजनाओं का चयन किया गया था, लेकिन अब 29,178 योजनाओं का काम होगा। पहले मार्च 2025 तक इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन विलम्ब के कारण अब इसे जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि और लघु जल संसाधन विभाग के अलावे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वन विभाग को 99 योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 2,334 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का पानी मिलेगा। जल्द करवाएं अपने राशन कार्ड की KYC, वरना राशन मिलना हो जाएगा बंद। भारत सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC करवाना अनिवार्य है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक EKYC करने की अंतिम तिथि तय की है। अगर कोई राशन कार्ड धारक स्थिति तक EKYC नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से उसे राशन मिलना बंद हो जाएगा और उनका नाम भी राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ये पहल इसलिए की जा रही है ताकि राशन कार्ड में केवल योग्य लोगों के नाम ही दर्ज रहें और उन लोगों को लाभ मिले जो सच में इसके पात्र हैं। सभी परिवार के सदस्यों को EKYC करवानी होगी, वरना पूरा परिवार राशन से वंचित हो सकता है। देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू हुई नई योजना। राज्य सरकार ने देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की है। इसका उद्देश्य किसानों को अनुदान देकर देसी मछलियों की प्रजातियों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय बाजार में उनकी मांग बढ़ाना है। भुन्ना, बचवा, गैंची, टिंगरा और मांगूर जैसी मछलियों का पालन अब किसानों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं और बीमारियों से कम प्रभावित होती हैं। योजना के तहत किसानों को 60% तक का अनुदान मिलेगा, जिससे आधे एकड़ के तालाब में मछली पालन की लागत कम होगी। इसके अतिरिक्त मछली बीज के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस साल राज्य में 2 नई हेचरी स्थापित करने का लक्ष्य है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुंगेर के बारे में। मुंगेर बिहार का एक जिला है। इस जिले में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। इस जिले में मन पत्थर, सीताचरण, कष्टहरणी घाट, मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा, चंडी स्थान, पीर नफा मकबरा, सीता कुंड, गोइंका शिवालय, मिर्ची तालाब आदि शामिल है। इस जिले में यदि आपको जाने का मौका मिलता है तो आप इन दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। महिलाओं और बच्चों को विषम परिस्थिति से त्वरित सहायता के लिए बिहार सरकार ने एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है, जिसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें। इस बार 13 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर मेला। कई खास चीजों का हो रहा है आयोजन। बिहार के सारण जिले के सोनपुर हरिहर क्षेत्र में हर साल सोनपुर मेला लगता है। इस मेले की प्रसिद्धि न केवल राजकीय और राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इस बार इस मेले की शुरुआत 13 नवंबर से होगी। हर साल इसे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही लगाया जाता है। इस बार मेले में बाइक राइडिंग, प्रसिद्ध हस्तियों के टॉक शो और स्टार कलाकारों की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक मेला लगाने का भी प्रयास चल रहा है। एक बार फिर से मेले को वृहद रूप से के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर से साझेदारी की बात भी सामने आई है। इस मेले का समापन 14 दिसंबर को होगा। बिहार में महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री। निबंधन कार्यालय को जमीन के MVR यानी न्यूनतम मूल्यांकन पंजी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल जमीन की श्रेणियों के आधार पर जिलों में MVR तय है, हालांकि आने वाले समय में ये बदल सकता है। इससे पहले 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में और 2016 में शहरी क्षेत्रों में MVR बढ़ाया गया था। इसके अलावा जमीन की किस्मों में भी एकरूपता लाने की बात हो रही है, ताकि हर जगह जमीन का वर्गीकरण एक समान ही हो, ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। वरीय अधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण कैंप में जाने के मिले आदेश। बिहार सरकार प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण का काम सुचारू रूप से करवाने के लिए जोरों शोरों से कोशिश कर रही है। हालांकि प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं।
अब ऐसे मामले से निपटने के लिए डीएम, डीसीएलआर और सीओ को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए वे गांव में जाकर पूरे मामले को देखेंगे, साथ ही भूमि सर्वेक्षण पर ऑन स्पॉट फैसले भी लेंगे। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े कई दस्तावेजों में आ रही परेशानियों को देखते हुए वरीय अधिकारियों को कैंप में जाने की बात कही गई है, ताकि इस दौरान होने वाली गड़बड़ी की शिकायतों को दूर किया जा सके। बिहार के आईटीआई कॉलेजों की जांच के लिए विशेष कमेटी का हुआ गठन। बिहार में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो इस माह के अंत से जिला स्तर पर निरीक्षण शुरू करेगी। जांच में ये देखा जाएगा कि आईटीआई केंद्र सरकार के मानदंडों का पालन कर रही है या नहीं। बिना पर्याप्त संसाधनों वाले आईटीआई की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि जाँच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके अलावा सरकारी आईटीआई के भवन निर्माण कार्य की भी जांच की जाएगी और प्रगति पर काम करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाएगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाएगी और सरकारी संस्थानों के उपकरणों की खरीद केंद्रीकृत व्यवस्था से की जाएगी। व्हाट्सएप पर डिलीट हुए चैट को ऐसे कर सकते हैं रिकवर। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स चैट के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन गलती से चैट डिलीट हो जाने पर परेशानी हो जाती है। अगर आप अपनी चैट को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना होगा और फिर से इंस्टॉल करना होगा। उसी नंबर से साइन अप करें जिसकी चैट रिकवर करनी है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद गूगल ड्राइव से बैकअप रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा। रिकवरी पर टैप करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद आपकी चैट वापस मिल जाएगी। गोपालगंज जिले में सक्षमता परीक्षा पास 700 शिक्षकों के कागजात सबके घेरे में। प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। गोपालगंज के जिला मुख्यालय से सटे बसडिला गांव स्थित डीआरसीसी ऑफिस में भी ये देखने को मिला। यहां 1 अगस्त से 13 सितंबर तक करीब 6,300 शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। मालूम हो कि गोपालगंज से कुल 6,600 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की है, लेकिन काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल 6,300 शिक्षक ही पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ इसमें 700 शिक्षकों के कागजात सबके घेरे में आए हैं। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में छोड़ी अपनी महत्वपूर्ण छाप। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, जहां उन्होंने एक प्रमुख लग्जरी महिला वर्कवेयर ब्रांड के लिए शो स्टॉपर के रूप में काम किया। अपने सफल लाइव ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल उमराव जान अदा के बाद नीतू चंद्रा ने NYFW में डिजाइनर ली इवांस ली, टीवी व्यक्तित्व चेरिल वर्क और गायिका क्रिस्टल वाटर्स के साथ रनवे साझा किया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से फैशन को कार्यक्षमता के साथ जोड़ा। नीतू ने अपने प्रदर्शन के तुरंत बाद NYFW में शामिल होने की खुशी व्यक्त की और इस मंच पर अपने अनुभव को गर्व से साझा किया। प्रदेश में आज और कल बारिश को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश में आज और कल बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गया, नवादा और अरवल जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री, तो वहीं कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार यात्रा का किया ऐलान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुकी है। अभी हाल में ही राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर निकले हैं। अब इसी बीच रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उनकी यात्रा बिहार यात्रा के नाम से जानी जाएगी। इसका ऐलान उन्होंने बीते दिन पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 25 सितंबर से निकलेगी। पहले चरण में बिहार के कई जिलों से ये यात्रा 29 सितंबर तक चलेगी। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार में तेजस्वी यादव अपने संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके क्षेत्र की परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
झंझारपुर में उन्होंने अतिथि गृह में एक प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का एक बाल खत्म हो गया है और हताश में आकर मेरी जासूसी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में CID और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे जब दरभंगा में उनके आई कार्ड से उनकी पहचान की गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है, केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए व्यक्ति हैं। आगे उन्होंने कहा कि वे अब दिल्ली और हरियाणा में फिर जाकर इमोशनल गेम खेलेंगे, लोगों के बीच भ्रम फैलाएंगे और भ्रम फैलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। ईशान किशन के नाम पर BCCI कर सकती है विचार। आने वाले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज में निपटने के बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ मैदान में उतरेगी। इस दौरान भारतीय टीम कुल 10 टेस्ट मैच खेलने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी। इससे पहले भारतीय टीम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक T20 सीरीज के कुल के लिए शुभमन गिल समेत कई खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है जिससे वे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में दमदार प्रदर्शन कर सके। मिली जानकारी के अनुसार पंत को भी इसमें आराम मिल सकता है। यदि पंत को आराम मिलता है तो इस साल के 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहने के बाद एक बार फिर ईशान किशन के नाम पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट मैच में शानदार वापसी की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2003 में भूटान ने भारतीय हितों के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल नहीं होने का आश्वासन दिया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज के दिन वर्ष 2009 में दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। आज के दिन वर्ष 1882 में बलवंत सिंह का जन्म हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों को के इन गंभीर बीमारियों का होगा फ्री में इलाज। आयुष्मान भारत योजना सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दिल की बीमारियां, किडनी समस्याएं, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कई अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में होगा। बुजुर्गों के लिए घुटना और कुल्हा रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी भी शामिल है। लाभार्थी देश भर के हजारों लिस्टेड अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को PMJY पोर्टल या ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। ये कवरेज 1 सप्ताह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। जो लोग पहले से सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है वे इस योजना का लाभ भी ले सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुँचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है लियोनल मेसी, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है सुनील छेत्री, ऑप्शन डी है जोसेफ मर्फी। इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है जैसा। इसका सही उत्तर है अमित शाह। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका सही उत्तर है नागालैंड। निम्न में कौन सा विद्रोह बिहार में सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन ए है कोल विद्रोह, ऑप्शन बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी है भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी है मुंडा विद्रोह। इसका सही उत्तर है कोल विद्रोह। 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है सचिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, दिलीप यादव, राकेश यादव, सपना कुमारी, गुनर शर्मा,
रामनवमी मांझी मोतीलाल कुमार, सूरज कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजीव कुमार, अंशु कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, सोनू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, संजीव कुमार, भरत कुमार, मुन्ना प्रसाद, घनश्याम, विक्की दुबे। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके के मौसम की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।